मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरा देश जल रहा है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं हैदराबाद में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली निकाली। इस रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ओवैसी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ओवैसी ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब का हवाला देते हुए संविधान की कसम खाई और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आप नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हैं तो घर के ऊपर तिरंगा लहराएं। मोहब्बत का पैगाम देते हुए ओवैसी ने तिरंगा लगाकर विरोध करने को कहा, मगर हिंसा ना करें। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा है। ये जो तिरंगा जिसको देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, इस तिरंगे को आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इस तिरंगे को आप किसी रोड पर नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको अपने साथ लपेट कर अपने घर को लेकर जाएंगे। तो कोई भी भारत में NRC और CAA के खिलाफ है, वो कल से अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लगाएगा, ताकि जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा, मुल्क ये जान लेगा कि ये मोदी के काले कानून के खिलाफ है। और जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगेगा, दुनिया समझ जाएगी कि ये भारत को दोबारा पार्टीशन की राह पर लेकर जा रहा है। तो क्या कल से आप अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराएंगे? हर घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराना मेरे भाई, हमको कोई एतराज नहीं है। आप दीजिए, जो कोई आता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मगर मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? और जब हम ये सवाल करते हैं तो बीजेपी की तरफ से सवाल आता है कि तुम्हारे पास तो इतने इस्लामी मुल्क, मुस्लिम मुल्क है। मैं उसके ताल्लुक से भी कहना चाह रहा हूं कि मुझे सऊदी अरब से मोहब्बत ना थी ना कभी रहेगी, इंशाल्लाह होगा। मुझे क्या करना है यूनाइटेड अरब एमीरेट से, मुझे क्या करना है मलेशिया से, मुझे क्या करना है टर्की से, मुझे क्या करना है ईरान से, मुझे क्या करना है बांग्लादेश से, मुझे क्या करना है अफगानिस्तान से। मुझे भारत से मतलब था और भारत से मतलब रहेगा। इतने इस्लामी मुल्क कह रहे हैं तो तुम चले जाओ ना, मुझे क्यों बोलोगे? मुझे क्या करना है उन लोगों से? मुझे तो हिंदुस्तान और भारत की सरजमीन से मोहब्बत थी और रहेगी। बार बार, अरे तुम्हारे इतने ममालिक है, मेरे नहीं है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है और रहेगा इंशाअल्लाह। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।